टॉप 10 के स्पॉन्सर हैं कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 11 मार्च की टॉप 10 न्यूज। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान सफरी सहूलतें आसान बनाने का हुआ फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान क्वारंटाइन से पाक सफरी राहदारी के क्याम पर हुई बातचीत, अगले महीने होगी डील। ब्रिटेन म्यांमार की फौज के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने पर कर रहा है गौर। बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक रॉब ने ट्वीट करते हुए कहा कि म्यांमार की फौज के कमांडर इन चीफ के खानदानी और कारोबारी मफादात को बनाया जाएगा निशान। इंडोनेशिया में स्टूडेंट्स, फैमिली और टीचर्स को ले जा रही एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 22 अफराद हुए हलाक। यह हादसा इंडोनेशिया के मगरबी सूबे जावा में पेश आया। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया ममता बनर्जी पर हमले का इल्जाम। पैर, कंधे और गले पर ममता बनर्जी को लगी चोट। बीजेपी ने इंसानियत छोड़ी, कहा नाटक कर रही है ममता, लगा रही है झूठा इल्जाम। इलेक्शन कमीशन से उल्टा शिकायत करने की कही बात। क्या आने वाले इलेक्शन को लेकर नहीं बढ़ाए जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम? आम आदमी के जहन में उठ रहे हैं सवाल। आज मुसलसल 12वें दिन भी नहीं हुआ कोई इजाफा। क्रूड ऑयल की कीमत $68 पर है कायम। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में रात 9 बजे तक लिमिटेड लॉकडाउन को लेकर हुकूमत ने जारी किया हुक्म। हफ्ता और इतवार को रहेगा मुकम्मल लॉकडाउन। 4 अप्रैल तक किया जाएगा अमल। मास्क न पहनने वालों को देना होगा ₹500 जुर्माना। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के MLA अबू आसिम आजमी ने असेंबली में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का किया पुरजोर मुतालबा। हाईकोर्ट की जानिब से तालीम के मैदान में मुसलमानों को रिजर्वेशन की बरकरारी के बावजूद हुकूमत की जानिब से अमल न करने पर उठाए सवाल। तेलंगाना में कोरोना के पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए 194 केसेस, हेल्थ बुलेटिन में मजीद 3 अफराद के मरने की बताई गई खबर। लोगों में हैरत, वैक्सीन आने के बावजूद क्यों हो रही है हलाकतें। हैदराबाद के इलाके मलकपेट सोहेल होटल के करीब दिलखराश हादसे में RTC बस ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। दोनों बाइक सवार 19 साल शोएब और 13 साल अलहफ की मौके पर ही हुई मौत। मलकपेट MLA अहमद बलाला ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई की थी हिदायत। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में किया इंकशाफ। कहा 2005 में क्रिश्चियन से मुस्लिम बनने के बाद उनका खेल हुआ बेहतर, जिंदगी में आया सुकून। ये थी अब तक की टॉप 10 न्यूज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।